हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एंजाइना वेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है एंजाइना और एमआई के बारे में, इसके साइंस सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, उसके अलावा डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिरी तक देखें, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करने का सही समय है, क्योंकि ESIC की वैकेंसी आने वाली है 2021, NORSET 2021 आने वाला है। उसके अलावा CHO जो एग्ज़ाम्स है, CHOs की जो अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम है वो हो ही रही है, तो इन सब चीज़ों का कंटेंट जो है रेगुलर आपको वीडियोस यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी की न्यूज़ वगैरह आती है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस भी करना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है एंगर। पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट रीजन, मींस फीलिंग ऑफ हैवीनेस और पेन इन चेस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है इसका, एंजाइना एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको क्या हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, और कहाँ पर फील हो रहा है, चेस्ट में फील हो रहा है। तो अगर डिफाइन करें इसको तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच कोरोनरी आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्टेड। ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पर कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और डिक्रीज ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट जो है वो क्या होती है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और फिर उसके एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमें पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरा इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकता है, एक्जर्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स, एंजाइना के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि क्यों ऐसा होगा, जब एक्सरसाइज या एक्जर्शन या हैवी वर्क करेंगे तो, क्योंकि जैसे ही हम हैवी वर्क करेंगे तो हार्ट पर जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। इंक्रीज नीड ऑफ ब्लड इन द हार्ट, जो हार्ट में ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अप्रोप्रिएट सप्लाई नहीं हो पाएगी। यानी कि जो सप्लाई डिमांड जो चेन है, यानी कि सप्लाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की एक साइकिल चलता रहता है, तो उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगे हार्ट की डिमांड बढ़ेगी, इम्बेलेंस होगा, फिर वो क्या होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। एरोबिक का मतलब समझते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनएरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, उससे बनेगा लैक्टिक एसिड। और आपको पता है लैक्टिक एसिड जब बनता है तो क्या होता है, पेन होता है, इसीलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हम दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में पेन होता है। क्यों बनता है, क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। तो अगर हम उसको रेस्ट दे देंगे ऐसे पेशेंट को जिसको एग्जर्शन पे पेन हो रहा है और ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि एंजाइना से मिलते जुलते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे तो वापस से पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इटियोलॉजी के बारे में देखते हैं। इटियोलॉजी मतलब उसका कॉज, क्या क्या कारण हो सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि इससे पहले हमने लास्ट इससे पहले डिजीज़ हमने पढ़ी है, अगर आपने अब तक वहाँ के वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड दो तीन पार्ट मैंने इसके डाल रखे हैं, तो सारे जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा जेनेटिक कॉज हो सकता है, वेजोस्पास्म भी हो सकता है। अब बहुत महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टाइप्स। किसके टाइप्स, एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स, कुछ प्रकार होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, वो टाइप्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना। व्हाट इज स्टेबल एंजाइना, पर्सन हैविंग चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी लाइक हैवी वर्क, एक्सरसाइज, रनिंग, बट पेन रिलीफ फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जब एक्टिविटी कर रहा है तब तो उसको पेन हो रहा है, जैसे ही पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो उसका पेन रिलीव हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेबल एंजाइना। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। देन नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना और प्री इन्फार्क्शन एंजाइना।
What is this? Let's see, students. In this angina, person having pain in both condition, rest and activity, it is characterized by crescendo pattern. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर रेस्ट कर रहा है तो भी पेन हो रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है तो पेन हो ही रहा है. यानी कि पर्सन को रेस्ट के समय पे भी पेन होना क्या कहलाता है? अनस्टेबल एंजाइना. इसमें क्या होता है, क्रेसेंडो पैटर्न देखने को मिलता है. 64% पेन ड्यूरिंग रेस्ट, एवरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पेन विल बी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. यानी कि इस तरह से इसका पेन होता है, हर बार जो है पेन बढ़ता जाएगा. पेन डज नॉट रिलीव बाय रेस्ट. हम उसको रेस्ट भी करवाएंगे, भैया रेस्ट कर ले, सो जा, बैठ जा, तो भी उसको क्या करेगा, पेन जो है कॉमनली वहाँ पे देखने को मिलेगा और रिलीफ नहीं होगा. फिर बात करें वेजोस्पास्टिक या प्रिंसमेंटल एंजाइना, एक दूसरा इसका एंजाइना का टाइप है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. और इंट्रैक्टेबल एंजाइना क्या है देखते हैं. सीवियर अनटॉलरेबल चेस्ट पेन विच डज नॉट रिस्पॉन्स टू एनी इंटरवेंशन. ठीक है, ऐसा अनटॉलरेबल चेस्ट पेन होता है जिसमें किसी भी इंटरवेंशन से वो रिस्पॉन्ड नहीं होता है और इट डेवलप ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो हम जेन थेरेपी यहाँ पे करेंगे. फिर एक होता है साइलेंट एंजाइना. इन दिस अदर क्लिनिकल सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट पेन डज नॉट अकर ड्यू टू न्यूरोपैथी इन डायबिटीज मेलिटस. यानी कि जो डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है उसके अंदर न्यूरोपैथी होती है, मतलब कि उसके नर्व एंडिंग जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको पेन तो नहीं होगा लेकिन आदमी को जो है सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. इसको बोलते हैं साइलेंट एंजाइना. जैसे आपने सुना होगा कि आपने कहीं ऐसे देखा होगा कि वो तो सब कुछ ठीक ठाक थे और एकदम से रात में सोए और सुबह तक उनका देहांत हो गया, तो ऐसा कभी किसी का होता है तो बहुत बार उसको MI या एंजाइना देखने को मिलता है. तो ये एक तरह से साइलेंटली आदमी भगवान के पास चला जाता है. उसके बाद बात करें क्लिनिकल सिम्टम्स की, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा. माइल्ड टू मॉडरेट चेस्ट पेन होगा दोस्तों, कम से थोड़ा अधिक यानी कि मीडियल लेवल का पेन. रेडिएटिंग टू नेक, जो एंड लेफ्ट हैंड. पेन कहाँ पर रेडिएट होगा, नेक की तरफ रेडिएट हो सकता है, जो की तरफ हो सकता है और लेफ्ट हैंड की तरफ भी हो सकता है. पेन नेवर मोर देन 15 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का होगा यूजुअली, लेकिन 15 मिनट से अधिक नहीं होगा. पेन इज स्क्वीजिंग और हैवीनेस इन नेचर. यानी कि एक पेन कैसा होगा, स्क्वीजिंग नेचर का होगा, हैवी नेचर का होगा. पेन रिलीव विद रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या साइन है कि या तो रेस्ट से पेन रिलीव हो जाएगा या नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाएगा. दूसरे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पालपिटेशन, डिजीनेस, सिनकोप, एंग्जाइटी, GI डिस्टर्बेंस एंड स्वेटिंग भी हमको देखने को मिल सकता है. ये तो कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो इसके साथ साथ देखने को मिलेगी. साइड वाले सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है हमारे एंजाइना के हिसाब से. डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, सेम एज एथेरोस्क्लेरोसिस, सेम ही हम डायग्नोस करेंगे. ठीक है, अलग से इसमें कोई डायग्नोसिस नहीं है. फिर मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं. एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना है नाइट्रोग्लिसरीन, NTG जिसका शॉर्ट नेम है नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, इसका पूरा नेम है सबलिंगुअली इसको देते हैं. सबलिंगुअली का मतलब होता है टंग के नीचे. ठीक है, हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा. और तो यहाँ पर क्या है, सबलिंगुअली इसको देते हैं टंग के नीचे रख के. साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, हेडेक होगा, हाइपोटेंशन हो सकता है. ओके, किसके साइड इफेक्ट है, NTG नाइट्रोग्लिसरीन के. जो डोज रहेगा इसका, हमें 0 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट पे 3 डोज इसके दे सकते हैं. ओके, अंडर द टंग रख के. अदर वेजोडायलेटर ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन के साथ दूसरी जो वेजोडायलेटर्स हैं हम उनको नहीं देंगे. इट कैप्ट इन हाई कंटेनर एंड डार्क, कीप इन टू डार्क प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें इसको डार्क प्लेस में रखना है. ठीक है, ऐसे कंटेनर में रखना है जो जिसमें धूप नहीं जाए. ठीक है, अंधेरे में रखना है क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव ड्रग है. अदर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की तरह ही होंगे अंदर मैनेजमेंट, अलग से कुछ नहीं होगा. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, जो कार्डियक की सबसे महत्वपूर्ण डिजीज़ में से एक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MI क्या है, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से. तो यहाँ पर हमको हो सकता है, हमको तो नहीं, पेशेंट को, आपको नहीं हो भगवान करे, लेकिन पेशेंट को क्या क्या होगा, डिसरिदमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है. उसके बाद ड्रेसलर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस प्लस पेरिकार्डियल इफ्यूजन,
प्लस पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन, ये तीनों चीज़ें साथ में होती है तो उसको बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। क्या होता है? पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फ्लूड भर जाना पेरिकार्डियल कैविटी में, और प्लूरल इफ्यूजन यानी कि फ्लूड भर जाना कहाँ पर, जो प्लूरल कैविटी है उसमें। तो तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी ड्रेसलर सिंड्रोम में। और मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ MI, क्या इंडिकेट करेगा MI को, तो ये हमारा ट्रोपोनिन राइट आंसर जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ MI, कहाँ पर हमें जो है MI सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल पे। और आर्टरी अगर पूछे तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको मैंने आपको बताया था एनाटॉमी जब हम पढ़ रहे थे, इसको बोलते हैं लाडा आर्टरी, ठीक है, ये लाडा है। जब विधवा होती है तो इसके लाडा मर जाता है तो औरत विधवा हो जाती है, राजस्थान में लाडा बोलते हैं हस्बैंड को, तो इस तरह से। फिर मोस्ट कॉमन एंड अर्ली नर्सिंग रिस्पॉन्स, हमें क्या करना है मोस्ट कॉमनली, सबसे पहले क्या करना है, जो प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है हमारी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की। और जो मोस्ट कॉमन डेथ का टाइम रहेगा यानी सबसे पहले पेशेंट मरेगा कब, अर्ली 24 आवर्स, यानी शुरुआत के जो 24 घंटे हैं उसमें पेशेंट के मरने की संभावना बहुत अधिक रहेगी इस बीमारी में। दैट्स व्हाई मेंटेन हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, इसलिए कम से कम 24 घंटे तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके रखते हैं, एकदम से छुट्टी नहीं देते, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करते, ठीक है। ECG चेंजेस इन MI, व्हाट आर द ECG चेंजेस वी कैन सी ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। सो फर्स्ट इज ST सेगमेंट एलिवेशन, जो ST सेगमेंट होगा वो एलिवेट हो जाएगा, टी वेव इन्वर्सन हो जाएगा, क्यू वेव एबनॉर्मल होगी विच ऑलवेज फाउंड एबनॉर्मल, लाइफ टाइम एबनॉर्मल रहेगी, मतलब एक बार क्यू वेव अगर एबनॉर्मल हो गई तो फिर वो लाइफ टाइम कभी नॉर्मल नहीं होगी। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन डज नॉट रिलीव पेन, एक हमें अलग अगर करना है कि एंजाइना है या इसको MI है, तो अगर पेन जो है नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको MI है, और रिलीफ हो रहा है तो क्या है, एंजाइना है। मॉर्फिन कैन रिड्यूस द पेन, मॉर्फिन से क्या होता है पेन को कम किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ST सेगमेंट एलिवेशन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड अर्ली 4 to 6 आवर ऑफ अटैक, जब हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है एडमिनिस्टर करते हैं 4 to 6 आवर के अंदर अंदर। नॉन ST सेगमेंट अलग अलग, जैसे अगर ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है, MI के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक स्टेमी होता है एक एन स्टेमी होता है, ठीक है, ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। तो जो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है इसमें क्या करेंगे, हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एडमिनिस्टर करते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर, और जो नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है उसके अंदर डेवलप ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन, दैट्स वाई एंटी प्लेटलेट्स आर गिवन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंटी प्लेटलेट देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। बढ़ते हैं आगे, सीवियर एंग्जाइटी अकर इन MI, MI में क्या होता है सीवियर एंग्जाइटी होती है। अब बात करें डेफिनेशन की MI की, किस तरह से MI को परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। दैट इज़ अ कंडीशन डेवलप ड्यू टू टोटल ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं। नो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द मायोकार्डियम एंड मसल सेल, जो मायोकार्डियम है या मसल की सेल्स हैं वहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो नेक्रोसिस होगा, फिर डेथ होगी सेल्स की, जिसको बोलेंगे हम इन्फॉक्शन। इटियोलॉजी की बात करें तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, कब कब हो सकती है, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से, और रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक, ऐसा कोई प्लाक जमा हुआ है जो कि एथेरोस्क्लेरोटिक है उसके रप्चर हो जाने की वजह से, एंडोथेलियल इंजरी होने की वजह से, यानी कि जो एंडोथेलियल इनर लाइनिंग है किसी भी आर्टरी की इनर लाइनिंग में इंजरी होने की वजह से, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म होने की वजह से, किसी रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में लंग फेलियर ड्यू टू सस्टेन हाइपोक्सिया, एनीमिया, सीवियर एनीमिया की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, सीवियर हेमरेज की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। अगर बात करें हम डिमांड बढ़ जाने की वजह से, कब कब डिमांड बढ़ सकती है, एक्सरसाइज की वजह से बढ़ सकती है, एक्टिविटी की वजह से बढ़ सकती है, हैवी वर्कलोड की वजह से बढ़ सकती है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि किस तरह से बीमारी डेवलप होती है, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से तो क्या होगा, डिक्रीज सप्लाई टू द मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जैसा कि हमने देखा एंजाइना में भी सेम यहाँ तक हमने देखा ही था। अब आगे की कहानी देखते हैं कि क्या होता है आगे, चलिए जैसे दिखाते हैं ना अलग अलग उसमें सीरियल्स में
देखते हैं अब क्या होगा आगे, तो हम भी यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आगे, ठीक है। एंजाइना की बात, पहले एंजाइना होगा उसके बाद लेटर ऑन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द, एंजाइना के बाद की कंडीशन क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। समझने के लिए, इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिपोजिशन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोनेट लेवल, ठीक है। कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोनेट का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोनेट इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल्स इनटू बॉडी, रिलीज़ क्या करेगा, ग्लूकोनेट रिलीज़ करेगा फ्री रेडिकल को बॉडी के अंदर। फिर फाइनली एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी, फिर रप्चर होगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और क्या होगा, डेवलप होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो मेनली इटियोलॉजी जो है अलग अलग हो सकती है वैसे तो, लेकिन हम मुख्य रूप से कुछ इटियोलॉजीज यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे मेन इटियोलॉजी जो है इसकी कॉजेटिव रिस्क फैक्टर की बात करें, इटियोलॉजी तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो अलग अलग होगी ही सही, मेन तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं होना है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ओबेसिटी एक इसका रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन इसका रिस्क फैक्टर है, उसके अलावा और भी बीमारी जैसे लंग्स फेल हो जाए, लंग में कोई प्रॉब्लम हो तो इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इस तरह से ये मुख्य मुख्य इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कारण तो क्या होगा, अगर कारण तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है किसको, मायोकार्डियम को, ओके। लेकिन रिस्क फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन, पेन मोर देन 15 मिनट्स होगा, डजन रेस्पॉन्ड टू नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पेशेंट जो है रेस्पॉन्ड नहीं करेगा नाइट्रोग्लिसरीन से रेस्ट से, हैवीनेस होगा, स्क्वीजिंग पेन होगा, सेम जो हमने एंजाइना में देखा, पेन रिलेटेड टू नेक जॉइंट हैंड, ये भी हमने एंजाइना में देखा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है जो कि है पेन रिलीफ बाय मॉर्फिन, मॉर्फिन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड मतलब अफीम से निकाली जाती है, ठीक है, अफीम, तो अफीम से ये ड्रग वो डिराइव की जाती है, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर पूछा जाए कि क्या ड्रग ऑफ चॉइस है पेन की एमआई के अंदर, पेन की एमआई के अंदर क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, तो हमारा आंसर जाएगा मॉर्फिन, ओके। ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है, और एक तरह से जो डिमांड है बॉडी की डिमांड है उसको कम करती है, ठीक है, या हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर की डिमांड है उसको भी कम करती है, जो ऑक्सीजन की कम डिमांड है उसको कम करती है, ठीक है। आदमी घबराएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो हो नहीं रही है, तो पेशेंट जल्दी मरेगा, इससे क्या होगा, पेन भी रिलीफ हो जाएगा और डिमांड कम होगी मायोकार्डियल लेयर की। अब दूसरे सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सीवियर एंग्जाइटी हो सकती है, पैल्पिटेशन, सिनकोप, डिजीनेस, डिस्निया, टेकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस, ये सब देखने को मिल सकते हैं, ईसीजी चेंजेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या करेंगे, सेम एज एथेरोस्क्लेरोसिस, हमने पहले पढ़ी लिए हैं बहुत अच्छे से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कार्डियो बायोमार्कर यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं जो कि एक अलग से हैं, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, दो तरह से हम ट्रोपोनिन होते हैं, तो ट्रोपोनिन टी जो है वो मोस्ट प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है, और ट्रोपोनिन आई जो है मोस्ट रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल कौन सा है, ट्रोपोनिन आई, और ट्रोपोनिन टी क्या है, मोस्ट प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। लेवल इंक्रीज विद इन 3 आवर्स एंड रिमेन फॉर 10 to 14 days, इसके लेवल जो बढ़ जाते हैं 3 घंटे के अंदर अंदर और बढ़े हुए रहते हैं 10 से 14 दिन तक। नॉर्मल लेवल लेस देन 0.1, इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.1 से कम, CKMB क्रिएटिनिन काइनेस मसल, ठीक है, तो CKMB 3 तरह से होते हैं, CKMB, CKBB और CKMM, CKMM होता है स्केलेटल मसल के अंदर, BB होता है ब्रेन के अंदर, और MB होता है हार्ट के अंदर, बाकी CK तो है ही क्रिएटिनिन काइनेस। तो इसका जो लेवल बढ़ता है 3 से 5 घंटे के अंदर बढ़ता है, पीक पे चला जाता है 18 घंटे के अंदर, और नॉर्मल पे आ जाता है 72 घंटे के अंदर अंदर वापस। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन क्या है, सबसे फर्स्ट इंक्रीज्ड बायोमार्कर है, बट क्लिनिकली नो इम्पोर्टेंस, लेस इंडिकेटर, यानी कि सबसे पहले बढ़ता है लेकिन क्लिनिकली इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और रिस्क जो है 2 आवर्स के लिए, रिटर्न नॉर्मल 7 घंटे के अंदर वापस नॉर्मल में आ जाता है। LDH1 और LDH2, LDH1 और LDH2 क्या है, तो यहाँ पर
एलडीएच 1 अगर ज़्यादा है एलडीएच 2 से, तो यहाँ पर एमआई जो है हम डायग्नोज कर सकते हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस फर्स्ट एंड लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है। डब्ल्यूबीसी मोर देन 17,000 to 18,000 ड्यू टू मायोकार्डियल स्ट्रेस। डब्ल्यूबीसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी, एमआई के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। अदर टेस्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट, यह सब भी हम कर सकते हैं। कौन कौन से, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट। होल्टर मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, 24 आवर ईसीजी टेस्ट एंड एनालिसिस चेंज, ठीक है, किस तरह से परिवर्तन आ रहा है ईसीजी के अंदर, 24 घंटे हम उसको मॉनिटर करते हैं। नर्सिंग रोल क्या है, नर्सेज रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, अनाप शनाप ये सब बाकी अनाप शनाप है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट नर्स क्या करेगी वही पूछेगा वो। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, या नर्सिंग ऑफिसर क्या ही करेगा, फीमेल भी नर्सिंग ऑफिसर है, मेल भी नर्सिंग ऑफिसर है, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे यहाँ पे, तो अवॉइड शॉवर एंड टब बाथ, पेशेंट को टब बाथ अवॉइड कराना है, थेलियम स्कैन कराना है टू असेस नेक्रोटिक टिश्यू, एंजियोग्राफी एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करना है, उसके अलावा उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डेथ का होने के चांसेस रहते हैं एमआई के बाद भी। इन एमआई पेन रिलीफ इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम बाय एडमिनिस्टर्ड मॉर्फिन सल्फेट इज प्राइमरी नर्सिंग रोल, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए हमें क्या करना है, मॉर्फिन को एडमिनिस्टर करना है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, एक्यूट स्टेज में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, एडमिनिस्टर मॉर्फिन नाइट्रोग्लिसरीन एज ऑर्डर, जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि भैया इस डोज पे मॉर्फिन इसको लगाना है, नाइट्रोग्लिसरीन लगाना है, तो हमें उसको देना है उसी डोज में उसी रूट से, ठीक है, सबलिंगुअल भी हो सकता है। क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, असेस रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखना है, कीप इट काम एंड क्वाइट, ठीक है, हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है, कोई भी उसको स्ट्रेस नहीं देना है, टेंशन नहीं देना है, ठीक, टेंशन से और एमआई होता है, तो एमआई टेंशन कम रखनी और रखवानी और अच्छा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करवाना है। टेक 12 लीड्स ईसीजी, ठीक है, 12 लीड वाली ईसीजी हमने लेनी है, और मॉनिटर बेड रेस्ट इन कार्डियक पोजिशन एंड विथ ऑक्सीजनेशन, ठीक है, हमें क्या करना है, बेड रेस्ट देनी है पेशेंट को, कार्डियक पोजिशन भी दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक पोजिशन, ओके, इसमें जो है इजी रहता है रेस्पिरेट करना। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक डिसरिथमिया, अगर कोई डिसरिथमिया या ऐसी कॉम्प्लिकेशन का हमें मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स विद इन 6 आवर्स ऑफ एमआई अटैक, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है, डॉक्टर अगर ऑर्डर करता है देन एडमिनिस्टर करना है। इफ़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 26 mm ऑफ Hg ऑफ प्रीवियस रीडिंग लोअर द हेड ऑफ बेड, ठीक है, बीपी अगर सिस्टोलिक कम हो जाती है तो हमें हेड का जो लेवल है उसको नीचे करना है, बेड का लेवल यानी कि सर में थोड़ा सा उसको सुपाइन की तरफ, अगर वो फाउलर्स पोजीशन में तो थोड़ा सेमी फाउलर करना है, सुपाइन करना है सेमी फाउलर में है तो। एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर्स टू स्लो द हार्ट रेट, ठीक है, डॉक्टर लिखता है वैसे हमें करना है, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। मेंटेन एटलीस्ट 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन, सो कम से कम 24 घंटे तक भाई साहब को घर नहीं जाने देना है, वो बोलेगा मेरे को घर की याद आ रही है, लेकिन बोलना है बेटा यहीं रहे कहीं जाना नहीं है, तो इस तरह से हमको समझाना है। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम करेंगे यहाँ पर सोनम, इसका शॉर्ट ट्रिक है ST एलिवेटेड MI के लिए। सोनम का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑक्सीजन नाइट्रोग्लिसरीन एस्पिरिन और मॉर्फिन, और नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड में क्या करेंगे, मोना, ठीक है, मोना किसी का नाम है, या इसको ओनम भी बोलते हैं, ONAM ओनम, या लड़की का नाम याद रखना हो तो मोना याद रख सकते हैं, ठीक है, सोनम भी लड़की का ही नाम है, वहाँ दो लड़कियों के नाम याद रखने को कुछ नहीं करना है, मोना और सोनम, ठीक है। तो जो सोनम है और जो मोना है वो कहाँ से, हमें ये सोनम जो S से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं ST एलिवेटेड MI, और ये तो फिर आपको याद रह जाएगा, एक याद रह जाता है दूसरा याद रह जाता है। तो मोना में क्या करेंगे, मोना क्या करेगी कि मॉर्फिन देगी, ऑक्सीजन देगी, नाइट्रोग्लिसरीन देगी और एस्पिरिन देगी, ठीक है, आप इससे समझ लें, ये मोना एक नाम की नर्सिंग ऑफिसर है तो ये नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI वाले को संभाल रही है, और सोनम नाम की जो नर्सिंग ऑफिसर है वो ST सेगमेंट एलिवेटेड वाले को संभाल रही है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और इसमें कोई प्रश्न नहीं लाने, ऐसे ही याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, बाकी कोई हम इसका कोई जीवित या मृत व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं है इन नामों का, तो ये शॉर्ट ट्रिक है ओनली। मॉर्फिन डिक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड डायलेट द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, हार्ट के वर्कलोड को कम करेगी, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगी और डिमांड को कम करेगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा हार्ट फेलियर है,
लेकिन बस इस एम आई के साथ भी अभी हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।